जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं और अगर कोई कहता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है आप स्वस्थ हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप जीवंत और ऊर्जावान महसूस करते हैं या नहीं? हेल्थ शब्द होल यानी संपूर्ण से बना है। आपके शरीर, मन और ऊर्जा में संपूर्णता होनी चाहिए। जब ये सभी चीजें आपके अस्तित्व की बुनियादी प्रकृति के तालमेल में होती है तब सुबह उठने पर आपको लगता है आप बस अभी पैदा हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है आप स्वस्थ हैं। एक सरल चीज जो आप सभी लड़कियां कर सकती हैं वो है बस अपने भोजन में 40-50% कच्चे भोजन को शामिल करना। मतलब वो जीवित हो, वो एक जीवित कोशिका होनी चाहिए। वो कोई सब्जी हो सकती है, कोई फल हो सकता है, कोई सूखा मेवा हो सकता है या अंकुरित मूंग हो सकता है। कम से कम 40-50% भोजन जो आप खाते हैं वो जीवित होना चाहिए। आप मृत भोजन खाते हैं फिर आप जीना चाहते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अब आपको मुर्दे को जगाना है। जब आप भोजन को पकाते हैं, भोजन को पचाने के लिए सभी जरूरी चीजें सिर्फ शरीर में ही नहीं होती, भोजन में भी एंजाइम मौजूद होते हैं। जब आप भोजन को पकाते हैं तो आप काफी हद तक ये एंजाइम नष्ट कर देते हैं। एंजाइम के बिना खाने पर शरीर को मेहनत करनी पड़ती है वो हिस्सा बनाने के लिए जो नष्ट हो गया है, और उसके बाद ही वो पचा सकता है। आमतौर पर खाने के 1-1.5 घंटे तक ये शरीर की ऊर्जा को कम कर देता है, उसके बाद धीरे धीरे भरपाई होती है। क्या आपने देखा है? तो भोजन ऊर्जा के लिए है, लेकिन हम ऐसा भोजन बना रहे हैं कि वो पहले 1.5 घंटों में ऊर्जा ले लेता है, उसके बाद ही धीरे धीरे ऊर्जा देता है। वैसे भी आपका पाचन चाहे जितना भी अच्छा हो फिर भी आप वे सभी एंजाइम नहीं बना सकते जो पकाने में नष्ट हो गए हैं। सिर्फ कुछ हद तक हम बना सकते हैं। अगर आपकी पाचन प्रक्रिया बहुत मजबूत और अच्छी है तो आप 40-50% फिर से बना सकते हैं उसका जो नष्ट हो गया है। अगर ये पाचन थोड़ा कमजोर है तो यह संख्या काफी कम है। तो जो भी हो, अगर आप पका हुआ भोजन खाते हैं तो आपका खाया हुआ 50-60% भोजन आमतौर पर बर्बाद हो जाता है, लेकिन शरीर को फिर भी उस पर काम करना पड़ता है। और जितनी ऊर्जा ये लगाता है और जितनी तकलीफ झेलता है वो बहुत ज्यादा है। कई लोगों के लिए भोजन के कई मायने हैं, लेकिन मुख्य रूप से शरीर के लिए ईंधन है। अगर आप सही किस्म का ईंधन डालेंगे तो ये एक निश्चित तरीके से काम करता रहेगा। अगर आप गलत किस्म का ईंधन डालेंगे तो किसी तरह से काम चलाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस तरह से खाएं या उस तरह से खाएं, बस प्रयोग करके देखें, ठीक है? बस प्रयोग करके देखें। आज रात अब आप जब जाएं तो पका हुआ भोजन खाने की जगह फल खाकर देखिए। कल सुबह आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अलार्म से पहले उठ जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी आंखें भी इस तरह बंद नहीं होंगी, आप उठते ही एकदम सतर्क होंगे। लोग ये नहीं जानते कि अपने शरीर में बिल्कुल आराम से होने का क्या मतलब है। दुर्भाग्य से 95% लोग ये नहीं जानते, क्योंकि आप गलत तरीके का ईंधन डालते हैं। आप इस शरीर को हवा की तरह रख सकते हैं, आसानी से ये आपसे आगे रहेगा। आपको इसे खींच कर नहीं ले जाना पड़ेगा, इसे आपसे आगे चलना चाहिए। आप बस सही तरह का ईंधन डालकर ये कर सकते हैं।